मेरे उत्तराखंड में कई पर्यटक स्थान हैं, लेकिन सबसे पुराना पर्यटक स्थान है मसूरी। यहाँ पर चढ़ाई उतराई के रास्ते हैं, जहाँ पर पर्यटक रिक्शे व साइकिल से घूमते हैं, लेकिन इनका बोझा ढोते हैं बोझा मजदूर। मजदूरों की स्थिति दयनीय है। आइए देखते हैं यहाँ के स्थानीय मजदूरों की स्थिति। रिक्शा उन्मूलन में आपकी क्या भूमिका रही है? रिक्शा उन्मूलन में हमारी ये भूमिका थी कि जब हमने रिक्शा वाले श्रमिकों से बात करी, उन्होंने कहा कि हम ये प्रथा तो बंद कर देंगे, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? तो इसके लिए हमने एकेडमी से और अन्य जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ थी जो फाइनेंस करती हैं, जो गरीब संस्थाओं को अडॉप्ट करती हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। हमने कहा भाई ये लोग छोड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन इनके रोजगार के लिए क्या होगा? तो इसके लिए हम 1.5 साल तक प्रयास करते रहे। तो कुछ लोगों को तो नगर पालिका मसूरी ने रोजगार दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेरोजगार हैं। पर्यटक नगरी मसूरी में ये रिक्शा और बोझा मजदूर क्या करते हैं, पहले इनकी क्या समस्याएं थी और आज कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। जो हाथ रिक्शा था पहले, उसमें और अब में क्या अंतर है? अंतर क्या है उसमें? यही अंतर है कि जो मतलब थोड़ा एक ही आदमी का सपोर्ट है और कोई अंतर कुछ नहीं है। और आपको जो मजदूर संघ है वो किस तरह से मदद करता है? उसका क्या मदद होना है, मदद कुछ नहीं है। उनके पास वही है कि जो कहीं पर अगर थोड़ा कोई वो होता है तो विभाग होता है, उसमें थोड़ा एक जुट हो जाता है। आपका जो मजदूर संघ है उसके बनने से क्या लाभ हुआ आपको? रिक्शा चालकों की जिंदगी रिक्शे पर निर्भर है और बोझा मजदूरों की भी। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए यहाँ बस स्टैंड पे एक अलग सा रिक्शा स्टैंड हो, इनको सही मजदूरी मिले और रहने के लिए आवास भी, ताकि ये पर्यटकों की अच्छे से सेवा कर सकें। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल देहरादून उत्तराखंड से।